हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं कि जो भी बंदे जो हाई रिस्क कंट्री से पढ़ते हैं और जो बंदा कतार ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे, तो आपको बता दें दोस्तों कि कतार में नए रूल्स जारी किया है कि बहुत से बंदा जो कतार आने की सोच रहे हैं तो दो सिस्टम किया है दोस्तों, अब होटल क्वारंटाइन भी और होम क्वारंटाइन भी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाला है कि किस किस बंदा को और कौन से बंदे को होटल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और कौन से बंदे को होम क्वारंटाइन में। तो एक बात और बता दें दोस्तों कि जब आप हाई रिस्क कंट्री से पढ़ते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, जो 19 कंट्री जो हाई रिस्क में कतार गवर्नमेंट ने रखा है, वो हाई रिस्क कंट्री का जो दोस्त लोग जो अब कतार ट्रैवलिंग करेगा, तो वो लोगों को अब बहुत लोगों को होटल क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा और होम क्वारंटाइन में। तो आज हम दो चीज़ आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि किस किस बंदे को होटल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और कौन सा बंदे को होम क्वारंटाइन में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों ये वीडियो आपका फ्रेंड तक और दोस्त तक भी पहुंच सके और वो लोग भी ये न्यूज़ सुन सके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का न्यूज़ बहुत ही खास है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जो भी बंदा जो हाई रिस्क कंट्री से है, जो कतार आने की सोच रहे हैं, जो कतार ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं, तो बता दूं दोस्तों कि अब होटल बुक करने के ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और आज एक बात और बताने हैं दोस्तों कि कौन कौन से बंदे लोगों को होटल में रहना पड़ेगा और कौन कौन से बंदे को डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि कतार गवर्नमेंट जो हाल ही में रूल लगाया है, जो अनाउंस किया है कि अब कुछ बंदा लोग जो प्रॉब्लम में है, वो बंदे लोगों को अब होटल क्वारंटाइन नहीं चाहिए, वो लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज वही बताने वाला है कि कौन कौन से बंदा जिसको होटल में नहीं, जो डायरेक्ट होम क्वारंटाइन रह सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से दोस्त लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले जो बंदा जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कतार आने के लिए सोच रहे हैं, वो बंदा का 65 ईयर्स ओल्ड है और जो 65 वर्ष से ज़्यादा है, वो बंदे लोग होटल क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो डायरेक्ट होम क्वारंटाइन रह सकता है दोस्तों। नंबर दो, जो बंदे लोग का अस्थमा का प्रॉब्लम है, जो अस्थमा का पेशेंट है, वो लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं दोस्तों। दूसरी नंबर में जो बंदा लोग का टीबी का प्रॉब्लम है, जो टीबी का पेशेंट है, वो बंदा लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। नंबर चार, जो बंदा कैंसर का पेशेंट है, वो बंदा लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। नंबर फाइव में है जो बच्चा का जन्म देने वाली है, जैसे कि बहुत से लेडीज जिसका बच्चा है, वो जो प्रेग्नेंट है, तो वो लेडीज डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। नंबर सिक्स, जो लेडीज का बच्चा, जैसे कि बच्चा हुआ है 1 महीने का 2 महीना है और वो बच्चा का दूध पिलाता हो, तो वो लेडीज डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। उसके बाद जो बंदे का माइंड का प्रॉब्लम है, जैसे किसी का आदाश खो जाना, पागल जैसा करना, यदि वो बंदा है तो ऐसा बंदा डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। और जो बंदा का लीवर का प्रॉब्लम है, उसका खाना पचता नहीं है और ज़्यादा लीवर का प्रॉब्लम है, वो भी होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। उसके बाद जो बंदा का हाथ पैर जो है वो काम नहीं करता है, जैसे कि हाथ ना काम करना, पैर ना काम करना, वो बंदे लोग को भी डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। उसके बाद
जो बच्चा लोग जो ट्रैवल करता है कतार, जैसे कि 18 यानी कि 18 ईयर्स से बिलो है, नीचे है, जैसे 18 वर्ष से कमती है, वो बच्चा लोग जो अकेले ट्रैवलिंग करता है तो वो लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकता है। उसके बाद जो बंदा लोग डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो भी डायरेक्ट होम क्वारंटाइन में जा सकता है। और लास्ट में जो भी बंदा लोग जो अपने कंट्री से ट्रैवलिंग करने के लिए आ रहा है और उसका जो फैमिली मेंबर इधर कतार में है और जो उसका फैमिली मेंबर का जैसे देहांत हो गया, जैसे कोई किसी का प्रॉब्लम हो गया, वो लास्ट स्टेज में है, तो वो बंदा लोग जब कतार आने के लिए सोच रहे थे डायरेक्ट वो होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं, वो बंदा को होटल क्वारंटाइन नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग तो समझ ही होगे, जितना हम लिस्ट में था जो कतार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो कैसे बंदा लोग होटल क्वारंटाइन में रह सकते हैं और कैसे बंदा लोग होम क्वारंटाइन में, तो आपको बता चुके हैं दोस्तों कि जो भी हमने आपको बोला वो जितने दोस्त लोग जो कतार ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो, जिसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि कुछ डिजीज, जैसे कि वो बीमार पड़ना, माइंडली प्रॉब्लम, किसी का कैंसर प्रॉब्लम जो लास्ट स्टेज में है, जो 65 ईयर से ज़्यादा है, तो ऐसे बंदर लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन ले सकते हैं। और एक बात आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होम क्वारंटाइन और होटल, दोस्तों एक बात और बता दूँ कि जो भी बंदा कतार के लिए सोच रहे हैं आने के लिए, हम जितने आपको बताया वो अच्छे है, हेल्थ अच्छे है, जब वो लोग कतार ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो लोग को डेफिनेटली होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा दोस्तों, और होटल क्वारंटाइन के बाद होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो बंदा हेल्दी है ऑलरेडी वो फिट है, पूरी तरह से फिट है, उसका कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी का जैसे पेशेंट नहीं है, वो तो वो फिट है दोस्तों, वो लोग का होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा दोस्तों, और वो लोग का होटल बुक करना पड़ेगा दोस्तों। और जितने भी हम बताया वो लोग का जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग डायरेक्ट होम क्वारंटाइन ले सकते हैं दोस्तों, वो लोग का होटल बुक करने का नहीं है दोस्तों। तो ये बात दोस्तों बहुत से दोस्तों लोग कमेंट भी किया था, और ये इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आजकल क्या है कि जितने भी दोस्त लोग हैं एक ही बात सब पूछता रहता है कि क्वारंटाइन सिस्टम क्या है, क्या है कि अभी सबको एक ही बात है सिस्टम। और एक बात और बता दे दोस्तों कि एक कतार में नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड में 2021 है दोस्तों, एक क्वारंटाइन का जो सिस्टम है दोस्तों ये पूरा वर्ल्ड में रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक वैक्सीन पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में नहीं जाता है और हम लोग वैक्सीन नहीं ले लेते, जैसे जितना भी दोस्त लोग है पूरा वर्ल्ड का वो लोग वैक्सीन नहीं ले लेते, तब तक हम लोग जहां पर भी जाएंगे ट्रैवलिंग करेंगे उधर भी क्वारंटाइन सिस्टम रहना पड़ेगा दोस्तों, और क्वारंटाइन सिस्टम जो है वो लोग फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। और हमें लग रहा है और जितने भी जो न्यू चैनल है, जितने भी जो अपडेट्स जो हम ले रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, सब में एक ही बात है दोस्तों कि 2021 है दोस्तों, उसमें शायद पूरा वर्ल्ड में जहां पर आप ट्रैवलिंग करो, जहां पर जाओ, आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हाल ही में रूल्स लगा है दोस्तों और ये नया रूल्स है क्वारंटाइन सिस्टम का, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और फिर अगले वीडियो हम कुछ नया अपडेट लेके आते हैं दोस्तों, और आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।